बनर वर्सेस एमकेबीएचडी। भाई कोई गंगोल कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, टेंशन मत लो। एक्चुअली मैं भाई सारे यूट्यूबर्स कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं, और आपको पता है भाई टेक बर्नर ने तो भाई काफी सारे प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज लॉन्च की है, उसमें से एक है वॉलपेपर का ऐप फ्रेश वॉल्स। एंड एमकेबीएचडी ने भी रिसेंटली एक वॉलपेपर का ऐप लॉन्च किया है पैनल्स नाम से। बट एमकेबीएचडी के ऐप को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, काफी लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो हम लोगों ने सोचा भाई देखते हैं कि ये दोनों ऐप्स यानी कि एक फॉरेन यूट्यूबर का ऐप एंड एक इंडियन यूट्यूबर का ऐप कौन सा वाला ज्यादा बेटर। गाइस ये है टेक बर्नर का ऐप फ्रेश वॉल्स, ये एंड्रॉइड पे फ्री है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस। और पैनल्स ऐप भी फ्री है इंस्टॉल करने के लिए सर, बिकॉज भाई आगे चल के आपको समझेगा कि इसको हेट क्यों मिलता है। सो दोनों भी ऐप्स एंड्रॉइड पे तो फ्री है, सेम गोज हियर, यहाँ पे टेक बर्नर का ऐप फ्री है फ्रेश वॉल्स, एंड पैनल्स भी इंस्टॉल करने के लिए फ्री है। गाइस देखो मैं दोनों भी ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ, ये पैनल्स है एमकेबीएचडी का एंड ये है फ्रेश वॉल्स, और ओपन करते ही देख सकते हो कि भाई क्या क्या मांग रहा है दोनों भी ऐप। गाइस देखो ये वाला ऐप है एमकेबीएचडी का, इसको इसलिए भी हेट मिल रहा है, लाइक वन ऑफ द रीजन ये भी है, ये ऐप ट्रैकिंग करता है आपकी, बिकॉज इसको पर्सनलाइज एड्स देने हैं, इसको बोला मैंने ट्रैक मत कर भाई, ये अच्छी बात है आईफोन की। एंड अभी आते हैं ये साइड पर, ठीक है फ्रेश वॉल्स पे ये ऐप पूछता है कि नोटिफिकेशन देना है क्या, ये तो भाई ठीक है नॉर्मल चीज है, कोई चीज नहीं, मुझे नोटिफिकेशन पसंद नहीं। अभी देखो अभी पैनल्स अलाउ करता है कि भाई बिना अकाउंट के भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एंड फ्रेश वॉल्स को अपने को गूगल का अकाउंट यूज करना ही पड़ता है तभी ये चलेगा। तो पैनल्स पे स्किप कर देता हूँ एंड गूगल अकाउंट लॉग इन करते हैं। फ्रेश वॉल्स पे देखो यार डायरेक्टली अपने को दिखने लग गए वॉलपेपर्स, बट अभी पैनल्स अभी भी पूछ रहा है कि भाई नोटिफिकेशन देना है, एनोनिमस रिपोर्टिंग, भाई कुछ नहीं चाहिए अपने को, न्यूज लेटर वगैरह बस हो गया भाई, काफी सारी चीजें पूछ ली इसने। अभी ये पूछ रहा है कुछ फेवरेट आर्टिस्ट वगैरह डिसाइड, भाई कुछ पता नहीं मुझे, हम लोग इसको बाद में देखेंगे, बिकॉज अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो हम लोग यहाँ पे वॉलपेपर्स तो काफी सारे दिख सकते हैं, लिटरली बोलो अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स है एमकेबीएचडी के साइड भी एंड टेक बर्नर के साइड भी, मतलब फ्रेश वॉल्स में भी अच्छे है ये वाले साइड एंड यहाँ पे भी काफी सारे अच्छे वॉलपेपर्स है। बट भाई MKBHD वाले में देखो स्क्रॉल करते करते एड्स आते, लाइक लिटरली स्क्रॉलिंग पे भी एड्स है, ये देखो यहाँ पे एड्स आते, और फ्रेश वॉल्स पे भाई जीरो एड्स, पता नहीं भाई क्या मैजिक किया है टेक बर्नर भाई ने। अभी देखो अगर मैंने कोई वॉलपेपर ओपन किया, सपोज कर लो यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो फ्रेश वॉल्स पे यानी कि टेक बर्नर के ऐप पे अगर मैं चाहता हूँ तो इसको ये देखो डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, सीधा सेव टू फोटोज हो गया, मतलब कि डायरेक्टली अपने फोटोज ऐप में आ गई है एंड हम लोग यहाँ से इसको एज सेट एज वॉलपेपर डायरेक्टली कर सकते हैं। ये देखो डायरेक्टली हो गया अभी का, ये देखो मतलब मैं डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ एंड थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकता हूँ इसको, चलो अच्छी बात है ये तो नॉर्मल चीज है, एंड डायरेक्टली मेरा वॉलपेपर यहाँ पे सेट हो चुका है फ्रेश वॉल्स पे। अभी देखो ये सेम चीज मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे एमकेबीएचडी के पैनल्स पे, अभी मेन रीजन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों हेट मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलता है अगर फुल रिजोल्यूशन चाहिए मुझे तो मुझे इसका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा, या फिर एक एड देख के मैं लोअर रिजोल्यूशन वाला डाउनलोड कर सकता हूँ। फुल रिजोल्यूशन के लिए देखो कितना पैसा मांग रहा है, ये 2000 रुपए मांग रहा है एनुअली सब्सक्रिप्शन फॉर वॉलपेपर। मतलब लिटरली हम लोग ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब हम लोग सीधा गूगल में इमेजेस सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, इमेजेस AI से इजीली जनरेट हो सकती है, वहां पे 2000 रुपए पर ईयर, ऐसा नहीं कि वन टाइम फी है, 2000 रुपए पर ईयर आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेना पड़ेगा, या फिर मंथली 1000 रुपीज भी, आई थिंक दोनों में सेम होगा, एंड्रॉइड में भी सेम प्राइसिंग होगी, देखते फटक से। ये देखो एंड्रॉइड में भी सेम प्राइसिंग है 2000 पर ईयर एंड आईफोन में भी सेम प्राइसिंग है, लाइक दोनों जगह सेम प्राइसिंग बता रहा है पैनल्स एमकेबीएचडी का। और वही दूसरी तरफ फ्रेश वॉल पे सारे वॉलपेपर्स फ्री है, फ्री टू डाउनलोड है, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाते हैं, एंड भाई इवन फ्रेश वॉल्स पे कुछ अपने को एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम लोग ब्लर कर सकते हैं इसको, मतलब चाहिए तो डायरेक्टली हम लोग ऐप के अंदर से ब्लर कर सकते हैं फोटो को, फोटो का मतलब कोई भी वॉलपेपर को, चलो कोई भी वॉलपेपर हम लोग दूसरा वाला चेकआउट करते मस्त वाला, ठीक है एनिमे वॉलपेपर पे चलते भाई, एपिक वॉलपेपर से दिखने में। तो चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसका कलर हम लोग देखो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर इसका ह्यू सैचुरेशन ऐप के अंदर से कर सकते हैं, हम लोग ये बाद में भी एडिट कर सकते हैं, बट ऐप के अंदर भी ऑप्शन दिया ये अच्छी बात है। इवन राइट साइड पे एक और ऑप्शन दिया अपने को कि भाई डायरेक्टली हम लोग सेट कर सकते हैं होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन या बोथ। ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से सेट किया, डायरेक्टली सेट हो गया भाई, ये बहुत बढ़िया बात हो गई है। और भाई ये वाले ऐप में भाई मनी नहीं कर रहा इंसान का, फॉर एग्जांपल चलो सपोज कर लो मुझे कोई वॉलपेपर अच्छा भी लगा, चलो ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है,
सिंथ वाला, ठीक है, अगर मुझे इसको लगाना है। अबे ये क्या चीज है गाइस, देख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नहीं कि हम लोग डाउनलोड कर सकते इसको फ्री में, लाइक ऐड देख के भी नहीं, लाइक इसको बाय ही करना पड़ेगा 200 में या फिर प्रीमियम बाय करना पड़ेगा 2000 पर ईयर वाला। वाओ, सो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, गूगल लेंस का थोड़ा अच्छे से यूज करने वाले। फॉर एग्जाम्पल ये वाला यहाँ पे वॉलपेपर है जो कि हम लोग सिर्फ बाही कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जा रहा हूँ, राइट। सो मैं देख रहा हूँ कि इस टाइप का वॉलपेपर कहाँ पे मिल रहा है, यूनिक तो है मैं बोलूंगा, बट बात ऐसी है काफी सारी जगह ये अलग अलग वेरिएशन में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो अगर मैंने ये वाला यूज कर लिया फ्री वीक का, लाइक ये वाली एक ऐसी वेबसाइट है जो मैं यूज करता हूँ थंबनेल्स वगैरह के लिए, भाई इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये एक AI जनरेटेड फोटो इनका, तो शायद से ये भी AI जनरेटेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। गाइस मैं ना कुछ आपको अलग करके दिखा रहा हूँ, ये लोग 200 रुपए मुझे चार्ज कर रहे एक कलेक्शन के लिए, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास दिखने रहा है, और मैं सेम चीज अभी AI से जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस मैंने क्या किया, सेम ही जनरेट करने की कोशिश की है ये टाइप के इमेजेस, एंड काफी सारे यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं लिटरली AI से, ठीक है, ये देखो ना, मैं काफी ज्यादा सिमिलर चीज है ये, इसको हम लोग अपस्केल भी कर सकते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई AI वॉलपेपर्स यूज करने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये लोग इतना मांग रहे हैं, लाइक सीरियसली ये फ्री में मिल भी नहीं रहा है तो ये किस बात का मांग रहे हैं, अगर AI से सेम चीज जनरेट हो रही है, और भाई मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि ये खुद से बनाए हुए वॉलपेपर्स नहीं है। स्टिल चलो देखते हैं कि भाई हम लोग किस किस टाइप के वॉलपेपर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेन टाइप के वगैरह थीम है फॉर यू में, बट काफी ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे भाई सर्च पे आई थिंक कर नहीं सकते हम लोग। एक्सप्लोर में गया मैं, सपोज कर लो, अच्छा चलो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, अगर मैं सपोज कर लो एनिमे सर्च करता हूँ कुछ एनिमे टाइप का, नो रिजल्ट फॉर्म बिकॉज इनके पास है ही नहीं इस टाइप के वॉलपेपर्स। सपोज कर लो लायन का चाहिए मुझे, एक लायन का एक देखते हैं, बिकॉज आई थिंक टेक बर्नर वाले ऐप में है ये चीज, लायन है, बट ये क्या भाई, ये तो भाई मैं बहुत AI इमेजेस जनरेट करता हूँ, ये डेफिनेटली AI जनरेटेड, ये लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो, ये कितने में, ये देखो एक ऐड देखने को बोलता है, मैं देखेगा नहीं, मुझे देखना है नहीं, हम एक भी इसमें इंस्टॉल ही नहीं करने, मतलब डाउनलोड ही नहीं करने वाले, मुझे देखना ही नहीं इनका। और अभी हम लोग देखते हैं टेक बर्नर भाई का, भाई देखो टेक बर्नर भाई थोड़ा सा मतलब स्पॉन्सरशिप आने दो प्लीज, समझ लो कौन है क्यों नहीं यार मस्ती कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह दी गई है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मुझे एमोलेड के लिए स्पेसिफिक चाहिए, जैसे ये फोन एमोलेड है और इस पे एमोलेड के जो फोटोज रहते हैं वो काफी प्यारे दिखते हैं, लाइक बहुत ज्यादा डार्क टाइप फोटो देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला ले लो, ठीक है, अगर मैंने इसको सेट बोथ किया सपोज कर लो, ये देखो भाई लिटरली बोलता हूँ बहुत एपिक दिखता है ये, सच्ची बोलता हूँ, लाइक एकदम ऐसा ब्लैक एंड इसमें ये चीज, एंड लॉक स्क्रीन पे भी देखो भाई ये बहुत एपिक दिख रहा है, आई थिंक आपको दिखेगा नहीं बट यहाँ पे थोड़ा सा ही दिख रहा है ये देखो भाई बहुत एपिक दिख रहा है सच्ची बोल दो पर्सनली। लेकिन गाइज मैं आपको एक ऑनेस्टली चीज बताऊँ, मैं कभी वॉलपेपर खुद का चेंज करता नहीं, जो लाइक फोन के साथ आता है वही रखा जाता है मेरे से, लेकिन जब तक फोन यूज करता हूँ एक बार भी वॉलपेपर चेंज नहीं करता, अभी बस अपना टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग इसमें वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं। फ्रेश वॉल्स में कैटेगरी सच्ची में बहुत ज्यादा है, सुपर हीरोज की भी एक कैटेगरी है, एक सुपर हीरोज अगर किसी को चाहिए सपोज कर लो, यहाँ पे देखते हैं कुछ सुपर हीरो के रिलेटेड कुछ है क्या, चलो फ्लैश देखते, फ्लैश है क्या, तुम नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, लाइक किस बात का पैसा ले रहा है ये मुझे अब तक नहीं समझ रहा है, लाइक ये काफी सारे फोटोज मुझे लग रहा है कि AI जनरेटेड ही है भाई, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है अभी ऐसा लग रहा है ये चीज है, अभी भाई मैं 99% श्योर हूँ ये AI जनरेटेड है, क्योंकि देख के समझ जाता है ये चीज, काफी टाइम हो गया अभी AI मुझे जनरेट करते करते, सो बता सकते कि कुछ चीजें रहती है AI जनरेटेड। भाई इवन लेआउट पे ना ये दो एप्स का काफी ज्यादा सिमिलर है, आई गेस सारे वॉलपेपर एप्स का सिमिलर हो सकता है, मतलब काफी सारे तीन तीन से बटन आते हैं नीचे, अकाउंट में गया भाई कुछ नहीं, अकाउंट में ऐप कलर चेंज कर सकते हो, इसमें थोड़े अतरंगी टाइप के वॉलपेपर्स है ये मान सकता हूँ मैं, लाइक जो MKBHD का ऐप है, लाइक कुछ कुछ है बहुत डिसेंट दिखने वाले है यहाँ पे वॉलपेपर्स, पेमेंट मांग रहा है वापस एड्स देखने बोलता है, अगर मुझे सपोज कर लो ये मुझे सिर्फ फटाक से ट्राई करना कि कैसे दिखेगा, इसके लिए मुझे एड भी वॉच करनी पड़ेगी और प्लस लो रिजोल्यूशन में मुझे मिलेगा, भाई क्या ही फायदा तो मेरा। भाई एक चीज देखी मिली लेकिन फ्रेश वॉल्स में, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ आई थिंक ये ट्रेंडिंग का आइकन है, तो यहाँ पे ऐप क्रैश हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें बट हो रहा है, क्रैश हो रहा है। देन इस वाले ऐप में फ्रेश वॉल्स में हम लोग बाय कलर्स भी सर्च कर सकते हैं, कोई वॉलपेपर चाहिए सपोज कर लो मुझे अभी चाहिए, हम लोग लेते हैं ये थोड़ा सा ये वाला ब्लू लेते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के वॉलपेपर्स यहाँ पे आ जाते हैं, अगर यहाँ पे मुझे सर्च करना है इस वाले ऐप में लाइक पैनल्स में, तो यहाँ पे कलर्स के काफी कम ऑप्शंस है बट है ऑप्शंस है, लाइक रेड वाला चाहिए मुझे सारे रेड वाले वॉलपेपर्स आ गए, तो ब्लू वाले देखते ना दोनों में कैसे दिखते, ओ सच्ची बोलूं
भाई है अलग अलग टाइप के, बट क्लियरली समझ में आ रहा है मुझे कि जैसे पैनल्स पे काफी ज्यादा ही AI जनरेटेड है, लाइक AI का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसमें। कंप्लीट AI जनरेटेड नहीं हो सकते, बट एक रहता है ना इंस्पिरेशन वगैरह बोलूंगा उस टाइप से। बट है यार दोनों में भी काफी ज्यादा ही वॉलपेपर से मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, अभी खत्म हो गया। देखो भाई इतना ज्यादा मुझे स्क्रॉल करना पड़ा, उसके बाद खत्म हो चुका है। ऑनेस्टली बोलूं मुझे लग रहा है ये फ्रेश वॉल्स में ज्यादा वॉलपेपर से, बिकॉज देखो ना यहाँ पे काफी छोटा छोटा दिख रहा है, यहाँ पे काफी बड़ा दिख रहा है, इसलिए ये ज्यादा लग सकता है। गाइस ऑनेस्टली बोलूं आपको लग रहा होगा कि भाई ये भाई ने तो पैनल्स का ही भी वॉलपेपर डाउनलोड करके ट्राई नहीं किया। बात ऐसी है दोस्तों, भाई मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं कभी एक वॉलपेपर के लिए एड नहीं देखूंगा, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, मैं कभी कोई वॉलपेपर के लिए इतना पैसा भी नहीं दूंगा। भाई सच्ची बोलता हूँ, लाइक ये जमाने में अगर आप वॉलपेपर के लिए पैसा दोगे, भाई मैं सच्ची बोलता हूँ थोड़ा सा मतलब आप बहुत ज्यादा रिच हो, अंबानी टाइप ऐसा समझूंगा मैं उसके। एंड एक और चीज बोलूंगा कि भाई फ्रेश वॉल्स तो एक ऐप है जो फ्री में वॉलपेपर प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, मतलब कब से फ्री में वॉलपेपर दे रहे हैं। लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि भाई फ्री में इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है तो हम लोग इतना पेमेंट दे के ये वाला ऐप क्यों यूज करें, जो लाइक जिसमें कुछ नया कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ अलग सा दिख भी नहीं रहा है। आप लोग नीचे बताना मुझे कि आप कौन सा वॉलपेपर ऐप यूज करते हो और क्या आप पे कभी पे करोगे वॉलपेपर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे भाई सुन ना, क्या यार अपने पास और एक ऑप्शन है डिफॉल्ट होते वो तो बता। भाई डिफॉल्ट वाले सच्ची में भूल गया था, मैं अभी वही चेक कर रहा था, तो मैं अपने सैमसंग के फोन में आ गया हूँ डिफॉल्ट चेक करने के लिए। तो मैं गैलरी का तो है ही ऑप्शन, बट ये देखो ना ग्राफिकली अलग अलग से कलर्स वाले है, एंड यहाँ पे क्रिएटिव वॉलपेपर्स का ऑप्शन है जिसमें काफी सारे अलग अलग टाइप के वॉलपेपर्स आते हैं। लाइक सच्ची बोलता हूँ ये वाले लगा के भी मजा आ जाएगा। आईफोन में तो काफी सारे ऐप है, ये भाई मेरा फोटो इसने चेंज कर दिया, भाई इसका फोन है स्टिल मेरा फोटो, अबे मेरे मस्त मस्त फोटो लगा के दिए इसने, भाई मेरा फोन है वो सब ठीक है। भाई आईफोन में तो और भी एपिक वाले वॉलपेपर्स है, भाई मैं बोलूंगा नहीं, बट डिफॉल्ट वाले बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा है इसमें, और ये तो सब फ्री है।